शुरुआत करेंगे उस सेगमेंट की जिसको आपका जिसको जिसका आपको बेचैनी से इंतजार होता है। डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप? कैसे बताइए। सबसे पहला एक सवाल भाई, वो जो कॉड लिवर ऑयल की जो गोलियां हैं वो कोलेस्ट्रॉल के लिए कैसी हैं, ब्लड प्रेशर बहुत अच्छी है? वहाँ वो कहती है कि क्या मैं वो इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि उनको हाई ब्लड प्रेशर है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, एक तो आपको क्या करना है कि बहुत ज्यादा बीफ का, चर्बी का, नमक का, काली मिर्च का और रेड मिर्च का इसका इस्तेमाल कम कर दें। कॉड लिवर ऑयल तो आपके दिल को बड़ी पावर देता है, बड़ी गोलियां देता है, गोलियां कैप्सूल होते हैं। बल्कि कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं कि आप फिश का इस्तेमाल करें और व्हाइट मीट जितना खाएं उतना अच्छा होता है, आपकी वाइटैलिटी बड़ी बढ़ती है और तवनाई। साथ में आप क्या करें, अगर इवन आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप एक छोटा सा प्याला मिट्टी का, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप जब किसी पीतल के या तांबे के प्याले में लेते हैं तो उसमें थोड़े से मिनरल्स का आपस में कॉन्टैक्ट होता है, तो अगर आप मिट्टी के प्याले में बिल्कुल आधा किलो दूध, आधा एक लीटर दूध ले लें, उसमें हैंडफुल मिश्री, थोड़ा सा बादाम, थोड़ी सी जाफरान, थोड़ा सा केवड़ा, बादाम, अखरोट, ये सब मिक्स करके कवर करके रखें और रोजाना इसको खाएं। चांदी का वर्क भी आपने? चांदी का वर्क भूल गया, बिल्कुल। ये बड़ी देखिए, चांदी और सोना ये बहुत आपके जिस्म में मौजूद होते हैं, तो इसको आप एनहांस करेंगे तो आपका बड़ा हार्ट मजबूत होगा। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, इनहेल एक्सहेल की एक्सरसाइज करें, हल्का फुल्का। योगा कितना अच्छा है इन चीजों के लिए? बहुत अच्छा है, और इससे बढ़ के बेहतर आप जो भी जिस भी आप देखिए, ये बड़ा हम बायस नहीं होंगे कि जिस भी आप रिलीजन में होते हैं, चाहे आप क्रिश्चियनिटी में हैं, चाहे हिंदुइज्म में हैं, चाहे पारसीज हैं उनकी इबादतें हैं, मुसलमानों की स्पेशली, जो इस्लाम में जो भी इबादतें हैं वो कोई ये नहीं कि फिनेटिक्स है, वो आपको इसलिए गाइड किया गया है कि आपकी जो बेसिक लाइफ स्टाइल है वो अच्छा हो। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपका सर्कुलेशन जितना दिमाग की तरफ होगा, हार्ट की तरफ होगा, उतना इबादत का। देखिए जब आप मजहबी होते हैं और शाम बहुत ज्यादा नमाज वगैरह वक्त से पढ़ रहे होते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत एक रूटीन में होती है, रूटीन में होती कि आपको नमाज पढ़ना है, आप अपने काम और सारी चीजें उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मुझे इतने बजे तक नमाज पढ़नी है तो मुझे खाना खा लेना चाहिए, तो मुझे ये कर लेना चाहिए। बहुत डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में आ जाता है अगर आप रिलीजियस होते हैं। आप नोट करिएगा, आप टाइम पर सोते हैं, आप टाइम पर उठते हैं, आपका रूटीन जिंदगी का एक सेट होता है, आप बहुत सारी बुरी चीजों से दूर रहते हैं। और ये नहीं जरूरी कि आप मुसलमान हो, आपका जो भी रिलीजन है आप उसको फॉलो करें, उसके अंदर आपकी बड़ी अच्छाई आ जाए। ठीक है, अच्छा, और फिर वो चीज शक्ल से नजर आती है, आपके नजर आती है, वो खूबसूरती, वो ग्लो जो हम पिंक तो करते रहते हैं आपको, और डबल पिंक आप हो जाए, नूर कहते हैं ना चेहरे पर आ गया, नूर आ जाता है, बिल्कुल। अच्छा जी निदा, अच्छा एक छोटी सी चीज बड़ी लड़कियों की फरमाइश थी, उन्होंने पूछा भी था, ये देखिए डबल चिन और यहाँ पे थोड़े से आपके ना फ्रोइंग हो जाती है, ये देखिए डबल चिन आपकी बन जाती है, डबल चिन और यहाँ से थोड़ी स्किन लटक जाती है यंग एज में ही, थोड़ी बहुत सारी लाइंस भी बन जाती है लाइंस, ये देखिए ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। क्या करना है आपको, बिल्कुल ऐसा शो करना है घर में जैसे आप बिल्कुल हल्के से मुस्कुरा रही हैं, ठीक है, बिल्कुल स्माइल हल्का सा मुस्कुराएं, जो मिडल आपका हिस्सा है, जो मिडल आपका पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर दें कि इसको आप बंद कर, हंस रही हैं और बीच से बंद करें और यहाँ से आप इसको प्रेशराइज करें, ठीक है, ये आप रोजाना पांच पांच दफा करें, बेखाले एक एक मिनट। अब जैसे आप ये करे रहिए, आप बिल्कुल ऐसे करे रहिए, ब्रेक पे जा रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक है, फिर मैं क्रीम भी बताऊंगा जैसे आपके, देखिए आपको हंसने की कोशिश करनी है और हंसी रोकनी है बीच से आप, ठीक है, हंसी रोके आप क्योंकि हमें प्रोग्राम रोकना है, ब्रेक पे जा रहे हैं, हंसी यहीं पर रोक के रखिएगा और आप भी यहीं रोके रहेगा क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डॉक्टर खुर्रम से पूछेंगे आपके बहुत सारे मसाइल का हल, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हाँ जी, वेलकम बैक, सुनिए इसने स्पॉन्सर नहीं किया हमें, वेलकम बैक, हम यहाँ मौजूद हैं और डॉक्टर खुर्रम देखें आपने वादा नहीं निभाया, जी आपने कहा था जब वापस आएंगे आप वैसे होंगे, बिल्कुल देखिए वादा, अच्छा देखिए नेता ये क्या करना है आपको, इस तरीके से जाके पूरा जैसे आप पूरा आप हंसी की कोशिश करिएगा, डबल चिन के लिए फिर एक मैं क्रीम बताता हूँ, मतलब हंसने की कैसे कोशिश करें, हंस रहे हैं आप, ठीक है, हंसने की कोशिश की आपने, ऐसे कैसे ऐसे रिकॉर्ड मत, नहीं नहीं रिकॉर्ड प्रॉमिस मैं अपने लिए ठीक रही हूँ, मेरी डबल चिन देखी है, हंसो नहीं नहीं हंसे, ठीक है, और बीच से हंसी को रोको और यहाँ से आप प्रेस करें, ठीक है, इतनी टाइट मसल्स हो जाएंगी ये, रोजाना करें, ठीक है, हंसी आ रही है ना, और एक क्रीम बड़ी अच्छी सी लगाएं इससे, बिल्कुल आपकी बिल्कुल ये हो गया, और एक फिर बड़ी अच्छी क्रीम आप लगाएंगे, क्या करना है आपको, एक कप बटर मिल्क, ठीक है, छाछ वो लेके रखिएगा, उसके अंदर डालिएगा ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम दो टेबलस्पून, ठीक है, एक कप बटर मिल्क छाछ और उसके अंदर डालिएगा दो टेबलस्पून ग्लाइकोलिक एसिड, सॉरी एक आपको बीच में रुकूंगी, बटर मिल्क शेफ महबूब कैसे बनेगा, बटर मिल्क कैसे बनेगा,
कैसे घर में कैसे बनाया? मतलब होती है, मतलब जैसे नॉर्मली जिस नींबू डाल दे पानी उसमें दूध में? नहीं 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 नहीं, बटर मिल्क बेसिकली फैट कंटेंट की बात कर रहे हैं हम। हाँ। हर दूध में बटर होता कि नहीं होता? हाँ। निकाल लें आप उसे दूध से। आप बटर मिल्क कैसे बनाएंगे? बटर मिल्क इज मिल्क, इट्स। अच्छा, आप मिल्क की बात कर रहे हैं? छाछ कहते हैं ना बटर मिल्क। हाँ। वो बटर इधर गाढ़ा वाला। हाँ। वो होता है, वो आप निकाल लें, आप बनाएंगे नहीं, आप बाजार से लेके आएंगे। मतलब दूध जो बना बनाया होता है? बना बनाया बिल्कुल। ज्यादा आपकी मसला हल कर दें, टेंशन कम कर दें। मुझे थोड़ा सा ये लगा मिल्क और बटर मिल्क में कोई फर्क नहीं है, टेंशन ना लिया करें। बिल्कुल, और अच्छा नहीं लगता। दो टेबल स्पून ग्लाइकोलिक एसिड दुकानों पर मिलता है, दुकानों में मिलता है। एक चमचा कोलेजन लोशन, ठीक है, जो आपको पूरा ये आपको टाइट कर देगा, टाइट के शेल्टर देगा, ठीक है। और साथ में ऐड कीजिएगा 3 टेबलस्पून जैस्मीन फ्लावर्स, ठीक है, ये गुले यास्मीन यानी फूल गुल यास्मीन के, या फिर गेंदे के, या फिर गुलाब के, कहीं से मिल जाएंगे, अच्छी से दुकान से लीजिएगा। इस मिक्सचर को बना के आप फ्रिज में रख दीजिए, क्रीम बनेगी और अच्छी तरह इसको आप मसाज। दिन में कितनी दफा लगेगा? दिन में ट्वाइस डे। और जहां जहां आपको लग रहा है स्किन थोड़ी सैग कर गई है, लटक गई है, तो उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। ये एक बड़ी अच्छी चीज आपने बताई और रुक रुक के भी बताई, काफी लोगों ने नोट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट हम आ रहे हैं बालों, बाल जो चेहरे के ऊपर ना पसंदीदा बाल जो चेहरे पर हो जाते हैं, बिल्कुल लड़कियों के आ जाते हैं। अच्छा देखिए, पहली कोशिश तो ये कि आप तमाम चेक कराएं कि आपके तमाम सिस्टम्स क्या हैं, हार्मोन्स की भी कभी कभी प्रॉब्लम का, बिल्कुल आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है? अच्छा, 90% केसेस में पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं है, ठीक है, फिर भी आपके हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं। होता क्या है कि आजकल हमारी गिजा जो हम चिकन खा रहे हैं या जो और चीजें खा रहे हैं, उसके अंदर जो फूड दिया जाता है, जो आपको फीड करते हैं जी, हार्मोन्स स्टेरॉइड्स पड़े हुए जो चिकन को खिला रहे, उसे एकदम से चिकन मोटी हो जाती है, ठीक है। ये भी एक कॉल भी थी, एग्जैक्टली उन्होंने यही प्रॉब्लम बताया था जो आप बता रहे हैं। जी जी जी। और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि आप पोल्ट्री की चिकन यूज नहीं करेंगे, देसी मुर्गी खाएं, उनको ओवरी की कोई प्रॉब्लम थी, बताई पॉलीसिस्टिक ओवरी ना, या फिर बहुत सारी खवातीन में ही होता है कि बिल्कुल एक बहुत बड़ी सी उनके पीरियड्स अप एंड डाउन होते हैं और उनके चेहरे पे बॉडी के अंदर डॉर्मेंट होता है, इतना फाइब्रॉइड एक चीज कहलाती है, वो छोटा सा गोश्त का पीस होता है, इतना भी होता है और इतना बड़ा भी होता है। अच्छा। पेट के अंदर बहुत सारी खवातीन का पेट, जिनका पेट निकला हुआ होता है, बिल्कुल दिन कभी कभी ये भी होता है, और डॉर्मेंट पड़ा होता है, फाइब्रॉइड इतना बड़ा फुटबॉल के जितना भी पेट के अंदर से निकालते हैं, डॉर्मेंट पड़ा होता है, तो वो बड़े आराम से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब भी आपके अप एंड डाउन हो, कोशिश करें कि आप ज्यादा विटामिन सी वाली चीजें या आप इमली, आलू बुखारे, काली मिर्च और रेड मिर्च का शरबत पिए, ठीक है, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। रात को क्या करना है, विटामिन ए क्रीम लीजिएगा, बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग मिल्क में मिला के जहां जहां आपको बाल इवन चेस्ट पे आते हो, बॉडी पे, वहां लगाएं और सो जाए। सुबह को उठ के आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग मिल्क, बढ़ के दरख्त की गोंद, जैसे गुल कतीरा होता है ना, उस जो हमने ये एक तरह से लुपड़ी टाइप चीज बनेगी कि जिससे इरेज हो जाएंगे बाल, ये आप लगाएं और उसके बाद आराम से आप मेडिकेटेड उपटन से इसको रगड़ रगड़ के उतारेंगे ना, तो आपके बिल्कुल जैसे कि आप हॉट वैक्स जड़ों से खत्म हो जाएंगे, जड़ों से खत्म होते चले जाएंगे बिल्कुल। और अपनी गिजा में कोशिश करें जितनी फ्रूट सब्जियां फल अंजीर दालें सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करें, जितना ल्यूब्रिकेट करें। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ हैं, आपसे क्या सवाल करना चाहती हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। सना, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो अभी बहुत खुश हूँ, अभी मेरे सामने खाना आ गया, नाश्ता मैं नहीं करके आई। अच्छा, हाई टी मौजूद है। अच्छा, मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी थी। बिल्कुल करो। डॉक्टर, क्या हाल है? कैसी है? मैं ठीक हूँ जी। वाह। अच्छा, मुझे ना रोड की रगड़ लगी थी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मेरा ना पहले फुलबेरी जैसा हो गया था और अब जो है ना ब्लैक हो गया है वो। बिल्कुल ठीक है, अब वो बिल्कुल ब्लैक हो गया, तो बहुत बुरा लग रहा है, उसके लिए कुछ क्रीम बता दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, एक तो जी बोलिए बोलिए। और एक है फेस पे जो धूप से जो बर्निंग हो जाती है ना, वो बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, के लिए बिल्कुल है। बाप, पेपर पेन तैयार रखो, मैं अभी बताता हूँ। जी ठीक है, साफ है। अच्छा, ये जो अगर आप रगड़ते हैं या कारपेट से रगड़ हो जाती है, गिरते हैं, तो बिल्कुल वर्टिलाइगो, जो कहते हैं ना दूध और मछली का, जो के बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है, वैसा निशान बन जाता है। पहले वो व्हाइट होता है, आप कोई और अपने घर में क्रीम लगा दे तो उससे वो डार्क हो जाता है। जब भी ये डार्क और व्हाइट होने लगे, आपको क्या करना है, हाइड्रोक्विनोन क्रीम 4% और बहुत सारी इसके अंदर इक्वल क्वांटिटी डर्मोविट एनेड क्रीम मिक्स करके अच्छी तरह थोप थोप के लगाएं और 10 दिन के लिए एक टैबलेट खाइए कैट्रिस। ये पेट के कीड़ों के लिए ही नहीं होती, लोग समझते हैं कि पेट के कीड़ों के लिए, KETRESS हिब्बा में खाले 18 साल से ऊपर होगी ऑलमोस्ट, तो एक टैबलेट रोजाना खाएं, बच्चों को भी देते हैं। अच्छा। ये रोजाना खाएं, ठीक है। अच्छा, और चेहरे पे जो आपके सन बर्न हो रहा है, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा है, आपको एक पूरा बोल जो है वो अर्के गुलाब लेना है, ठीक है, उसके अंदर डालेंगे टिंचर ऑफ बेंजोइन 8 कतरे, ठीक है, 2 टेबल स्पून कैलामाइन लोशन और 2 टेबल स्पून
तीन से चार दिन पुराना दही या दूध मिक्सर फेंट के रख दें, थोड़ी सी हल्दी डालें, अगर जाफरान मिल जाए कश्मीरी उसको मिक्स करके पूरे चेहरे पे ट्वाइस डे लगाएं, रंग भी गोरा हो जाएगा, आसान बनने जबरदस्त। अच्छा लंबे बालों के लिए कुछ बताइए। अच्छा लंबे बाल, बहुत सारे लोग होते हैं आजकल तो ट्रेंड दोबारा चल गया है कि बाल लंबे हों लड़कियों के, डॉल वाले जमाने में वो डायाना कट और इस तरह की चीज बहुत चली हुई थी कि छोटे हों ये वो, बिल्कुल बॉब कट इस तरह की चीजें थी। देखिए अगर आप बिल्कुल, हम कल ये पूछ लेंगे, ऐसे बाल करेंगे, देखिए लड़कियों के ऐसे बाल होने चाहिए, ये कलर भी अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ। और ऐसे बालों के कलर क्या होने चाहिए नेचुरली, वो भी नेचुरल जो हर एक कट, और अभी आप इंजॉय करेंगे मील हमारा।